ଶୁଣିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ତେଣୁ ଖାଲି ଆମ ଯେ ତା କୁଛ ବୋଲେ କହି ନାଇଁ ଦାଁ ଚିଆରି ହୋଇଥାଇ କ'ଣ ଦିକ୍କତ ନା ସବୁ ସେଇ ଚାଲତା ରହେଗା ଆମକୁ ଯେତେ ଚାଲତା ହୋଇଥାଇ ନା तो विलियन लोग पढ़े थे ना, तो विलियन में इसका प्रकार हो गया था कौन कौन, कितना प्रकार हुआ था? पांच वो कौन कौन? सब काम खत्म। हाँ आज हम लोग पढ़ेंगे विलेयता, है ना, विलेयता यानी कि सोल्युबिलिटी। विलेयता को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्युबिलिटी कहते हैं। अंधेरा काम हो गया ना, सुन को आ रहा है? विलेयता है ना सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी का विलेयता का मतलब ये होता है घुलनशीलता, है ना। विलेयता का सीधा मतलब क्या होता है? घुलनशीलता, है ना, घुलनशीलता होता है। यानी कोई विलेय हम घोल रहे हैं विलायक में, तो विलायक की हम निश्चित मात्रा लेते हैं इसमें, या तो 100 ग्राम या फिर 1 लीटर। या तो हम कोई विलायक हम लेंगे, हम जानते हैं कि जो विलेय होता है इसी को हम क्या करना है, विलायक में घोलना है, है ना। विलायक में विलेय को हम क्या करना है, घोलना है, तब जाकर क्या बनेगा, विलयन बनेगा, है ना। तो जो विलेय पदार्थ है और विलायक, तो इसमें जो विलायक है, विलायक की हम क्या करेंगे, निश्चित मात्रा लेंगे, या तो 100 ग्राम हम ले सकते हैं या फिर 1 लीटर ले सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1 लीटर, 1 लीटर विलायक में या फिर 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुल सकती है वही से क्या कही जाएगी, विलेयता कही जाएगी। समझ में आ रहा है ना, विलेयता कही जाएगी। और सबकी विलेयता अलग अलग होती है, कोई पदार्थ कम घुलता है, कोई अधिक घुलता है, है ना। तो हम सीधे कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ की वह निश्चित मात्रा, है ना, विलेय पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में पूर्ण रूप से घुल सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं। ठीक है, धड़ी लिख लीजिए, उसमें लिखा दे रहे हैं। दिक्कत नहीं किसी को इसमें? चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है आप लोगों का ना, पेपर की दृष्टि से। अब सिंपल जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे घटिया क्वालिटी के, वो अब टॉपिक शुरू होगा ना, घटिया क्वालिटी वाला। तो इसमें पहले हम जानेंगे मोलों की संख्या, पता करना होगा आप लोगों को मोलों की संख्या, अणु भार, मोलों की संख्या, अणु भार एवं परमाणुओं की संख्या में संबंध। संख्या में संबंध ज्ञात करेंगे हम। संबंध तो बस फार्मूला आपका रखना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसमें हम लोग मोलों संख्या ज्ञात करेंगे, अणु भार भी ज्ञात करना सीखेंगे, और साथ ही साथ कणों की संख्या या परमाणु संख्या भी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो जो मोलों की संख्या होती है, बस फार्मूला आपको याद रखना है, मोलों की संख्या बराबर होता है, अब जिस पदार्थ का हम मोल निकालेंगे, जिस पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा उस पदार्थ का हम क्या लेंगे, भार लेंगे, है ना। पदार्थ का भार यानी कि जो पदार्थ की मात्रा होगी वो लेना होता है, ठीक। और उसके बाद में उसका अणु भार, जब भी जिसका निकालना होगा, है ना, ऐसा नहीं कि पूरे विलयन का लेना है हम लोगों को, बस क्या करना है कि जिस पदार्थ का निकालना, चाहे कोई पदार्थ हो, तो जिस पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करना होता है उस पदार्थ का भार हम ऊपर लिख देते हैं, मात्रा जितनी भी ली रही उसकी मात्रा ऊपर लिख देते हैं और नीचे उसका अणु भार। कभी कभी इसमें किताब में मोलर द्रव्यमान लिखा रहता है ना, इसको हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो मोल संख्या से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए और चीज कि जो मोलों की संख्या होता है इसको दिखाते हैं स्मॉल एन द्वारा, ठीक, और जो भार होता है दिखाते हैं स्मॉल डब्ल्यू द्वारा, और भार दिखाते हैं एम द्वारा, मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। एम द्वारा दिखाएंगे हम इसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो मोलर यानी कि मोलों की संख्या एन बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एम हो जाएगा। यहाँ पर जो W है वो क्या है, पदार्थ का मात्रा या भार है, ठीक, और M जो है वो अणु द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, हम रखेंगे इस तरह से। देखिए इसका एक और फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, इसके लिए एक और फार्मूला होता है, इन मोलों संख्या N बराबर होता है N बाई एन ए, एन बाई एन ए होता है। यहाँ पर N का मतलब होता है कणों की संख्या, है ना, ये सवाल पढ़ेंगे हम ना,
कौड़ों की संख्या या अणु की संख्या है ना, या फिर परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर एन का मतलब कौड़ों की संख्या, अणु की संख्या या परमाणु संख्या, और यहाँ पर एन ए मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या, एन ए का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, अवोगाद्रो वैज्ञानिक का नाम है। इसका मान कितना होता है अवोगाद्रो संख्या का, एन बराबर तब यहाँ से हो जाएगा एन बटा में 6 पॉइंट है ना, हाँ 2.6। ठीक है ना, तो अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है 6.022 × 10²³ है ना। मैं गलती से लोग माइनस में लगा दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछता है इसमें यहाँ पर भी कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.022 × 10²³ बस रहेगा, पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा। ये होता है यानी कि सूत्र को हम देखें ध्यान से, अगर यहाँ से तो ऐसे भी कर सकते हैं, एन का मान कितना आया है डब्ल्यू बाई एम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई एम बराबर एन बाई 6.022 × 10²³। यानी इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पदार्थ गैस की अवस्था में रहेगा, जो पदार्थ ले रहे हैं यहाँ पर, जिस पदार्थ का निकालना मोलों संख्या, अगर ये गैसीय अवस्था में है, अगर ये गैसीय अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था के लिए जब निकालेंगे मोलों की संख्या, तो n बराबर हो जाएगा आयतन, यानी कि आयतन लिखा है 20 है ना, v बटा में इसका हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये फार्मूला आता है मोल संख्या करने का। v का मतलब यहाँ पर क्या है, आयतन है, आयतन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, आयतन है। तो जब हम पदार्थ गैस की अवस्था में लिए रहेंगे, तो गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ रहेगा और उसको हम निकालना है मोलों संख्या, तो गैसीय अवस्था में उस पदार्थ का निकालेंगे हम लोग मोलों संख्या, बराबर क्या था, वी बटा में 22.4 लीटर में निकालेंगे। ठीक है ना, अब वी यहाँ पर क्या है, आयतन है, और जो आयतन होगा या तो एचटीपी पर होगा, एचटीपी पर है ना, या फिर एनटीपी पर होगा, एचटीपी या फिर एनटीपी। एचटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि मानक ताप दाब है ना, और एन डी मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है ना, तो नॉर्मल ताप दाब हो जाएगा है ना, यानी बोलते हैं समान ताप दाब, चाहे समान ताप दाब पर दिया हो, ठीक है, या फिर मानक ताप दाब पर दिया हो है ना। बस हम सीधे क्या करें, यहाँ पर आयतन रख देंगे और नीचे 22.4 से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर पूछेगा आपसे, और भार पूछेगा निकाल सकते हैं, भार निकाल सकते हैं, कौड़ संख्या ज्ञात कर सकते हैं है ना, तीनों कौड़ संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से और भार ज्ञात कर सकते हैं, भार ज्ञात कर सकते हैं, और मौलिक संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं ना, जैसे दिया रहा वैसे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग सवाल करेंगे सीधे डायरेक्ट है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बोले ना, लिखिए 684 ग्राम चीनी में उपस्थित, अच्छा चीनी खाना है, चीनी या सीरा ये सब ले रहा है आज, तो 684 ग्राम चीनी में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। चीनी में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, हो गया ना। ठीक है, तो इसको हम एट होम बताते हैं आप लोगों को, बाकी हवाल करेंगे। ठीक है ना, ठीक, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। तो कह रहा है कि 684 ग्राम है ना, क्या है, चीनी है, तो जो पहले ग्राम में दिया रहेगा आप लोगों को क्या रहेगा, भार रहेगा उसका है ना, यानी कि आपको स्मॉल डब्ल्यू का मान आपको दे दिया गया, कितना दिया है 684 ग्राम, और कह रहा है चीनी, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22 और वो 15 ना, 11, अच्छा ठीक, वो 11, तो C12H22 वो 11 चीनी हो गया। तो आपको स्मॉल डब्ल्यू दिया है और पूछ रहा है कि मोलों की संख्या n बराबर क्या होगा है ना। ठीक, कह रहा है कि 684 ग्राम चीनी है, उस चीनी में मोलों संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n आपको ज्ञात करना है। तो आप अभी फार्मूला पढ़े हैं कि n बराबर क्या होता है,
स्मॉल डब्ल्यू बटा में एम, तो एम का मतलब क्या मोलर द्रव्यमान, तो जब तक मोलर यहाँ पर डब्ल्यू का मान तो हमको मिल गया है 684 ग्राम, लेकिन यहाँ पर एम का मान नहीं मिला है, ठीक है ना। एम कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, मोलर का मतलब ये होता है कि किसी भी यौगिक में जितने अणु होते हैं, जितने भी पदार्थ मिलकर बने होते हैं, सब तत्वों का क्या हम लिखते हैं अणुभार लिखते हैं, अणुभारों का योग क्या कहलाता है, पूरे का अणुभार कहलाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए सी 12 है, हम एम निकालते हैं, इसके लिए एम निकालते हैं, तो सी का क्रमांक, सी का अणुभार कितना होता है, द्रव्यमान संख्या, सी का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12, तो सी का 12 होता है, पहले हम सी का निकालेंगे, फिर एच का निकालेंगे और ओ का निकालेंगे, तो सी का एक सी का 12 होता है ना, ठीक है, उसका द्रव्यमान लेकिन है कितना 12 गो, तो हम गुणे करेंगे 12 प्लस, ठीक। अब किसका निकालेंगे हम लोग, एच का, तो एच का कितना होता है एक होता है, लेकिन है कितना 22 गो, तो हम गुणे करेंगे 22 प्लस, ओ का कितना होता है 16 क्रमांक नहीं है, द्रव्यमान संख्या मानेंगे भाई ना, है ना, क्रमांक नहीं द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, तो कितना 16 होता है, लेकिन है कितना 11, तो हम गुणे कर लेंगे 11, ठीक है, तो 12 बार यहाँ सबको पता है 44 होता है 144, और प्लस 22 से कम 22 जाएगा, और 16 कम 16 26 कितना हो जाएगा है, कैसे 16 कम 16 हो जाएगा, सील 10 हो जाएगी, हाँ 10, हाँ 76 हो जाएगा, ठीक है 76 हो जाएगा, ठीक। सबको जोड़ दिया कितना आ जाएगा, 4 4 2 6 12 2 हो जाएगा, 3 4 2 है ना 342 आ जाएगा, तो यहाँ पर m का मान कितना आ गया 342, बस कुछ ही करना ही करना है, सिंपल है। मोल संख्या n बराबर आपके पास फार्मूला डब्ल्यू बटा में m, w का मान देखिए कितना w का मान है 684, और बटा में m का मान कितना है 342, बाकी कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 2 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि 684 ग्राम चीनी में चीनी का खाली 2 मोल उपस्थित रहेगा, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा ना, हाँ चलो तो बताओ थे घुमाओ थे भाई ना दुबई उबई ले। क्वेश्चन लिखिए 46 ग्राम एथेनॉल में उपस्थित, 46 ग्राम एथेनॉल में उपस्थित, एथेनॉल में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 46 ग्राम एथेनॉल में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सब लोगों का सही लगना चाहिए वाला, जैसे गलती होगा तो ऊंचा ऊंचा मारेंगे, बता दे रहे हैं पहले, है ना। आप फार्मूला के लिए फार्मूला का उपयोग ज्यादा होगा बीच बीच में ना, जो हम पढ़ेंगे मोल अंश मोल भिन्न सब 11 का पार्ट रहेगा, बस कुछ पार्ट चेंज रहेगा, ठीक है ना। हल करिए अपने से, हम बस यहाँ पर हल्का साइन कर रहे हैं, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भार बटा में उसका अणुभार, लगाइए। जिसका नहीं लगा सो जो खान धरा देंगे हम आज बता ही दे रहे हैं, तो हमको फुर्सत ना मिलता चेलस को वो, है ना, कौन बते तब दा चेलो शुरू करा इधर है असल कौन बात है भार कितना दिया बताइए, भार कितना दिया गया है 46 ग्राम, डब्ल्यू का मान दिया गया है 46 ग्राम, है ना, हमको निकालना है अणु भार एम, ठीक है ना, एम याद करना है किसका, एथेनॉल का, तो पहले फार्मूला पता रहता ना एथेनॉल का, तो मुझे लगता है सब लोगों को याद होगा फार्मूला एथेनॉल का, है ना, C2H5OH हो गया एथेनॉल, ठीक है ना। इसका निकालेंगे मूल द्रव्यमान कैसे याद करेंगे, सी का कितना होता है 12, तो 12 ना के 24 हो गया प्लस, या देखिए एच कितना है 5 1 6 हुआ है ना, एच आपके पास कितना है 6 हुआ है, आयो का कितना होता है 1 होता है, तो 6 1 कम 6 हो जाएगा प्लस, अब बचा क्या ओ का कितना होता है 16, कुल कितना हो रहा है 46, ठीक है ना। तो एम का मान 46 आ गया और डब्ल्यू का मान 46, यानी कि भार भी 46 हो गया और भार 46, हमको याद क्या करना है मोलों की संख्या, तो मोलों संख्या एन बराबर क्या हो जाएगा 46 बटा में 46, यानी कि भार बटा में उसका अणुभार कितना रहा है 5 आ रहा है ना, 5 मोल, ठीक है ना, सही है। चलिए यानी कि आप लगा ले रहे हैं आप लोग,
ठीक, हम जान गए नहीं किसको नहीं आ रहा भाई ले, जिसको नहीं आ रहा अपन नकड़ा ऊपर करे, तो लोग आ रहा है ना। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जब आ रहा है तो बतावा, आ रहा है तब तो बोल, नकल मारे आ रही है, अरे जालो आ रहा है तब तो बोल, पूरा एक चुन चुन के सरिया लिख रहे हैं सब बोर्ड वापस से। कोनो दिक्कत ना, सब चलता है अपने लिए है। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, थोड़ा घुमाए ना, तो सर घुमा रहे हैं। हाँ चलेगी, हम अंक पलीगढ़ ले लिखा क्वेश्चन, इसी कर देंगे लिखिए CO2 के, चलिए यार तुम चट्टी पाओ समझा है, लिखिए CO2 के एक अणु का, CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। चला हल्का लो, हल्का लो बाबा। हाँ CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ज्यादा समझ ले रहे हैं, आया क्वेश्चन एक नंबर का, वो पता ना आया कि नहीं आएगा, आ तो मारे 1 घंटा लगे बोलो सॉल्व है ये क्वेश्चन, इतना देरी ले। हाँ बढ़ सवाल बढ़िया इनको लग रहा है, देखिए इधर, चलिए हार मान, हार मान, हार मान, देखिए इधर तो पहले लिखा रहता है कि दिया है ना, बाती है नहीं, दिया है, पहले लिखते हैं कि दिया है, अब क्या क्या दिया उसको लिखा जाता है, ठीक है ना, तो क्या क्या दिया है बताइए, बोलिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। कार्बन, CO2 के एक अणु, ठीक है ना, CO2 के एक अणु का द्रव्यमान पूछा है, एक अणु का द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान मतलब भार उसका, है ना, ठीक है, फार्मूला आप लोग बताए हम, एन बराबर एन बटा में एन ए, ठीक, क्योंकि आप देखिए हम करेंगे क्या, जब लिख जब जान जाएंगे हम कि क्या क्या दिया गया है, तो उस हिसाब से फार्मूला हम पता कर पाएंगे कि कौन सा फार्मूले पर लगेगा, ठीक है ना, तो आपको अणु पता करना है द्रव्यमान, जिसमें अणु भी दिया हो और द्रव्यमान भी दिया हो वही फार्मूला काम करेगा, तो इसमें देखिए यहाँ से अणु हो जाएगा, और इस फार्मूले को जब हम विस्तृत किए थे तो डब्ल्यू बटा में क्या था, एम बराबर एन बटा में एन ए था, भाई ए रहेगा कैपिटल में, है ना, एन ए था, ठीक है ना, यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, द्रव्यमान यानी भार है, और एन क्या हो गया, अणु की संख्या, ठीक है ना, अणु की संख्या, मतलब द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं, तो निकालते हैं पहले CO2 का मोलर द्रव्यमान, CO2 का मोलर द्रव्यमान, तो कार्बन कितना होता है, 12 होता है, ठीक, ओ का कितना, 16 होता है, लेकिन 2 16 2 32, तो प्लस 32, 12 कितना जगह, 4 4 चल जाएगा, यानी आपको एम का मान पता चल गया ना, मोल द्रव्यमान मतलब एम का मान आपको पता चल गया। अब हल करते हैं इसको, सूत्र पर रखते हैं, तो डब्ल्यू बराबर यहाँ से एन है, देखिए किस में है आपका, ये भाग में और गुणा में हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन इंटू एम हो जाएगा ना, एम हो जाएगा, कि जो एम यहाँ भाग में जो होता है उधर गुणा में हो जाता है, तो भाग में गुणा में हो जाएगा, एन इंटू एम हो जाएगा, और बटा में एन ए का मान बताया था कितना होता है, 6.022 × 10²³ है ना, 10²³ होगा, और बस मान रख दीजिए हमको द्रव्यमान पूछा गया था, एन का मान कितना, एक है, क्योंकि एन क्या है, अणु की संख्या, अणु की संख्या, परमाणु संख्या, कणों की संख्या क्या है, एन है, एन दर्शाता है कणों की संख्या को, तो यहाँ पर इनका मान कितना, एक हो गया, इंटू एम का मान कितना ज्ञात किया हमने, 44, तो 4 4 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 6.022 × 10²³, है ना, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लगभग इसके दशमलव के बाद 0 है, दशमलव बाद 0 आता है, 0 रहता है, तो हम केवल पूर्ण अंक से भाग दे करके हम मिनिमम मान ज्ञात कर सकते हैं ना, वहाँ तक लगभग में मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम 6 से डायरेक्ट हम भाग सकते हैं इसमें 44 में, 44 कम 44 हो जाएगा पूरा आई, तो 44 से भाग देंगे किसमें, 6 से, है ना, 6 से भाग देंगे तो 6 तो 6 से 42 हो जाएगा ना, तो
सत्तर 42 बचा कितना, 2 बचा, तो उसमें बढ़ा के कितना 0 कर लेंगे, तो 6 3 18 हो जाएगा, बचा कितना 2, है ना। फिर ऐसे आता रहा 6 3 18, यानी कि 7.33 आएगा। हल करेंगे इसको तो कितना रहा, 7.33 इंटू 10 टू पावर, जो ऊपर जाता जाएगा माइनस हो जाएगा, -23 एक इसमें आ जाएगा ग्राम में, भार हमेशा द्रव्यमान जो होगा ग्राम में आएगा, ठीक है ना। तो इसे ज्ञात करेंगे, बस कौड़ों की संख्या का मान रख दीजिए, चारों से परमाणु संख्या जो भी दिया रहेगा, आसान से लग जाएगा ना। दिक्कत हमको लगता है सब बहुत लोगों को होगी, लेकिन बताइए लोग ना,